हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम सब आप लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुके हैं। तो फटाफट हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। तो सन 1853 में जो भारत की पहली यात्री ट्रेन, वो मुंबई से थाड़े के मध्य चली थी और इसने 34 किलोमीटर की दूरी तय करी थी, 34 किलोमीटर की दूरी तय करी थी। साथ साथ ये ट्रेन जो है ये 16 अप्रैल 1853 को चली थी, 16 अप्रैल 1853 को चली थी और इसने 34 किलोमीटर की दूरी तय करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है, सोनपुर बिहार में है और बिहार में ये मेला आयोजित होता है हर कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन। और यहाँ का जो आकर्षक है वो है हाथी बाजार, यहाँ का जो आकर्षण है वो है हाथी बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में हुई थी, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी यूनाइटेड किंगडम एकदम सही होगा, यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान लागू है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में रेंडियर पाया जाता है? तो रेंडियर हम सभी लोग जानते हैं कि रेंडियर टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं पूछ रहा है? तो इसका ऑप्शन होगा कंपास शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है? तो जनसंख्या के आकार के अनुसार जो बृहत्तम महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां नंबर, वायरस के अजैविक होने के लक्षण हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही होगा कि इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जिसे आगे आने वाले समय में इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायक है उसका क्या नाम है? पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायक है उसको इथिलीन कहते हैं। यह एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, और कृत्रिम रूप से ये कार्बेट से प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक कहते हैं उसको जलकुंभी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, नगर निगम द्वारा ग्रह कर, चुंगी कर, मनोरंजन कर, यानी सभी कर लगाए जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो लास्ट ऑप्शन यानी सभी एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग केरल में 1959 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थानों में है। तो इस तरीके से आज के 15 क्वेश्चन पूरे हो गए। कल नेक्स्ट वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन लेके आएंगे। सेशन को लाइक शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप्स में इसको शेयर करिए। धन्यवाद।